नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, जो देश संविधान से चलता हो, क्या वहां कोई मरने मारने की बात करे तो उसका साथ देना चाहिए? क्या जिस देश में अदालतें हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो इसका फैसला करने के लिए, क्या वहां किसी को हथियार उठाने का अधिकार होना चाहिए यह कहते हुए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है? और क्या किसी को ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार मैंने सुना, जब अर्णब गोस्वामी को बेल मिली तो बहुत सारे लोगों ने हंगामा किया कि इनको मिल गई, उनको क्यों नहीं? उनको कौन? उनको मैं तो एक लंबी लिस्ट है, उसमें एक नाम वरवर राव का भी। वरवर राव कौन है आपको पता है? वरवर राव वो शख्स है जो खुद को तेलुगु का एक पोएट बताते हैं और इस वक्त जेल में। गिरफ्तारी क्यों हुई है आपको पता है? गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि 2018 में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की एक साजिश रची जा रही थी जिसमें वो भी शामिल थे। ये आरोप है, इसका फैसला अदालत को करना है, वही करेंगे। हम नहीं कह रहे कि वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन आज कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यह व्यक्ति है कौन, इस व्यक्ति की सोच कितनी जहरीली है और क्यों इस देश के बड़े बड़े पत्रकार रवीश कुमार, सागरिका घोष, कई लोग हैं, वो इस आदमी को जेल से बाहर लाया जाए इसकी वकालत करते हैं, इनके साथ खड़े हैं, इन्हें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बताते हैं, उमर खालिद, कई लोग क्यों इस व्यक्ति के साथ खड़े नजर आते हैं? यह सवाल आप भी पूछेंगे जब मैं आपको बताऊंगा एक इंटरव्यू के बारे में। उस इंटरव्यू का वीडियो यहां नहीं डाल रहा हूं क्योंकि वो तेलुगु भाषा में है, लेकिन उसका जो नीचे अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट था उसको पढ़कर मैं हैरान रह गया। मैं आपको वरवर राव का इंटरव्यू जो है उसका एक हिस्सा आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति चीज क्या है। सुनिए आप, जब इनसे इंटरव्यू करने वाला पूछता है कि आप मलकानगिरी एनकाउंटर को एकतरफा क्यों बता रहे हैं? मलकानगिरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर वो इलाका है जो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, जहां पर सालों से नक्सलियों का राज है, उनके जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं वो वहीं छुप कर रहते हैं। ये मलकानगिरी वो इलाका है जहां पर लोगों का विकास ही नहीं हो पाया, बिजली कुछ साल पहले पहुंची है वहां पर, कलेक्टर को उठा लेते हैं, किडनैपिंग हो जाती है, अधिकारियों की किडनैपिंग हो जाती है जो विकास की बात करता है। वहां पर कुछ नक्सली मारे गए और उन नक्सलियों के मारे जाने पर वरवर राव क्या कहते हैं आप सुनिए। वो कहते हैं वहां रोल कॉल चल रहा था, उसमें 18 नक्सली मारे गए, पेपर गिरा मिला उससे ये पता चला। मतलब उनके हिसाब से वो बेचारे मासूम थे नक्सली और उनका रोल कॉल चल रहा था, मतलब उनको बुलाया जा रहा था और उसी दौरान उनको मार दिया गया। तो जो इंटरव्यू करने वाले थे उन्होंने अगला सवाल पूछा कि और बाली मेला में जो 38 पुलिस वाले मारे गए, बाली मेला भी उसी के पास का इलाका है और वहां पर 2008 में 38 पुलिस वाले दुर्दांत तरीके से नक्सलियों ने मार दिए थे। जब उस पर सवाल पूछा गया तो वरवर राव का जवाब सुनिए। वरवर राव कहते हैं कि वो यानी पुलिस वाले नाव में जा रहे थे, नक्सलियों को मौका दिखा और उन्होंने मार दिया। वो एक तरफा नहीं था, नक्सली संविधान कानून में विश्वास नहीं रखते, पुलिस का वहां होना गैर कानूनी है। मतलब आप इस आदमी की सोच को समझिए, ये आदमी ये कह रहा है कि पुलिस जो कि संविधान की शपथ लेकर काम कर रही है, संविधान के तहत काम कर रही है, वो अपनी ही सरजमीन पर मौजूद होकर गैर कानूनी काम कर रही थी और ये कह रहे हैं कि नक्सलियों ने मार दिया क्योंकि उनको मौका लगा, पुलिस वहां नाव से जा रही थी, मार दिया उन्होंने। आप सोच रहे इस आदमी की मानसिकता क्या है? इन्हें लग रहा है कि अगर पुलिस वालों को मार दिया तो कुछ गलत नहीं किया और उसका उसके लिए वो आधार क्या बताते हैं कि नक्सली तो संविधान और कानून नहीं मानते। अगर नक्सली संविधान और कानून नहीं मानते तो आप उनके साथ क्यों खड़े हैं भाई? इस देश में जो संविधान मानेगा, जो कानून मानेगा, उसके हिसाब से देश चलेगा, देश उसके साथ खड़ा होगा या उसके साथ खड़ा होगा जो संविधान और कानून नहीं मानता। वरवर राव उन्हीं नक्सलियों के साथ खड़े जस्टिफाई कर रहे हैं उनको और इन्हीं वरवर राव के साथ देश के पत्रकार खड़े हो जाते हैं, कुछ बुद्धिजीवी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं इनको बाहर लाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और वो जो पुलिस वाले मर गए उनके घर में आज किसकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है नहीं है, कौन मर रहा है, कोई पूछने वाला है क्या? नक्सलियों का ह्यूमन राइट्स और दूसरों का नहीं, वो ह्यूमन नहीं और उनका राइट्स नहीं क्योंकि वो पुलिस में है, वो आपके हमारे लिए काम कर रहे हैं इसलिए उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। कि कैसी साजिश चल रही है इस देश में भाई,
आगे सुनिए, उनसे पूछा गया कि पुलिस को मान नहीं होना चाहिए था, तो कहते नहीं होना चाहिए था। पूछा गया क्यों, तो कहते हैं संविधान में पढ़े। अरे जो संविधान को मान नहीं रहे उनको जस्टिफाई करने के लिए संविधान का सहारा। आगे कहते हैं आप चींटियों के बिल में हाथ डालेंगे तो वो क्या करेंगे, आप सांप उनका बिल हथियाना चाह रहे हैं। मतलब इस देश में जो पुलिस है, आर्म फोर्सेस है, वो सांप है, ये देश उनको खा जाना चाहता है। ठीक है, हो सकता है उनमें से कुछ के साथ गलत हो रहा हो, आदिवासियों के साथ गलत हो रहा हो, उस इलाके के लोगों के साथ गलत हो रहा हो, तो आप बंदूक उठाएंगे। जिस नोएडा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए आप जो है वो खुशी से उछलते नहीं थकते कि वाह क्या एक्सप्रेसवे बना है, ये पेरिफेरल जो बना एक्सप्रेसवे उसके लिए आप कहते हैं क्या सड़क बन गई है, उसमें किसी की जमीन नहीं गई होगी, किसी का घर नहीं टूटा होगा। उन्होंने बंदूक उठाई, उनको जस्टिफाई कर देंगे आप कि आपकी जमीन गई तो बहुत अच्छा, आपने बंदूक उठा लिया बहुत अच्छा। इस देश में क्या कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जो कि नक्सली बन गए, और किसी के साथ नहीं हो रहा है। वो जो सालों साल कोर्ट में केस लड़ते लड़ते मर जाते हैं वो बेवकूफ बैठे हैं, उनको बंदूक खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो जो वकील को पैसा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गलत होता है तो फिर आप बंदूक उठा लीजिए, तो वो पैसा वो जो वकील को दे रहे हैं वो खर्च नहीं कर सकते, वो किसी और पर, बंदूक खरीदने में, असला खरीदने में। वकील को पैसा क्यों देना है, जज जज साहब डेट देंगे इसका इंतजार क्यों करना, सब बंदूक उठाए। फिर आप कर क्या रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के तोड़ने वालों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। कहते हैं नक्सलियों ने पुलिस को पीपल्स वॉर के तहत मारा है, छत्तीसगढ़ के में 74 सीआरपीएफ जवान मारे गए, वो जवान वहां कर क्या रहे थे। मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो जवान मारे गए सीआरपीएफ के, वो इसलिए मारे गए क्योंकि उनको वहां होना नहीं चाहिए था, वो तो नक्सलियों का इलाका था। भयंकर गजबे है बॉस, आप सीआरपीएफ के जवानों को मारे जाने को जस्टिफाई करते हैं, और इस आदमी के साथ जिसकी सोच ये है, इस आदमी के साथ इस देश के बड़े बड़े पत्रकार खड़े हैं कि इसको बाहर निकालिए, इसको इतने दिन तक क्यों आपने अंदर रखा हुआ है। जो आदमी इतने खुले तौर पर इंटरव्यू में मरने मारने को जस्टिफाई कर सकता है, कौन गारंटी लेगा कि वो इस देश के प्रधानमंत्री को मारने के लिए अगर साजिश रची जा रही थी तो इसका उसका हिस्सा नहीं था, ये 100% कौन गारंटी ले सकता है। ठीक है, जांच होनी चाहिए, सबूत मिलने चाहिए, कोर्ट तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा, कोई और नहीं तय करेगा, लेकिन सोच तो देखिए क्या सोच है ये। अगर आप जस्टिफाई करने बैठेंगे कि वो क्या कर रहे थे, तो देखिए फिर तो गौरी लंकेश की मौत पर जो हंगामा हुआ उसमें लोग पूछेंगे कि वो तो हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत कुछ लिखती थी, वो भी देखिए। मारने को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं बॉस, और फिर आप उस आदमी को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताते हैं। मैं भी वरवर राव के साथ खड़ा हो जाता अगर वो ये कहते कि वहां पर गलत हो रहा है, नक्सलियों को बंदूक रख देनी चाहिए, और जो गलत हो रहा है आइए उसके साथ मिलकर लड़ते हैं। आप किसी को मारने को जस्टिफाई करते हैं, आर्म फोर्सेस पुलिस वाले वो क्या अपनी मर्जी से वर्दी पहन रहे हैं, और वो नौकरी में आए हैं हमारी आपकी हिफाजत के लिए, ड्यूटी करते हैं। आपको नक्सलियों का रोल कॉल नजर आता है कि वो बेचारे मासूम मार दिए गए, और ये जो सीआरपीएफ जवान जा रहे थे जिनको आपने उड़ा दिया, किसी का हाथ नहीं मिला, किसी का पैर नहीं मिला, उसका क्या हिसाब है। 765 पत्रकार हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट के और महाराष्ट्र सरकार को लिखा है कि वरवर राव को बेल दे दीजिए। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए जो आप 74 सीआरपीएफ जवानों के परिवार वालों के पास गए कि आज आपको क्या तकलीफ है, बताइए। आपकी सोच वरवर राव से कितनी अलग है, क्या आप इस देश को जोड़कर रखना चाहते हैं या तोड़ देना चाहते हैं ऐसे लोगों का समर्थन करके। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि वरवर राव और उनकी सोच वाले कितने लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने चेहरे पर एक आवरण लगा रखा है। आप फंस रहे हैं उसमें, आप उनको पहचान नहीं रहे। जो वरवर राव की वकालत कर रहे हैं वो दरअसल इस देश में हिंसा की वकालत कर रहे हैं, उस देश को तोड़ देना चाहते हैं, इस देश में शांति न बनी रहे इसकी वकालत कर रहे हैं, और आप उनको बुद्धिजीवी पत्रकार समझकर उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, वरवर राव तो कोई बहुत मसीहा होगा। अगर इसी लॉजिक से चलने लगिएगा तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आतंकवाद को सही ठहरा देंगे। सोचिएगा इन बातों को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
आपके आसपास हो रहा है, लोगों को पहचानिए, इनको बॉयकॉट कीजिए, हिंसा का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि हिंसा ही इनकी सोच को गलत बनाती है। लेकिन इन लोगों को समझ में आना चाहिए ये जो कर रहे हैं, ये लोगों को दिखने लग गया है, समझ में आने लग गया है। और ये देश हमेशा से एकजुट था, एकजुट रहेगा, और इनकी साजिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। इसी तरीके के एक और विषय के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, देश की बात करता रहूंगा। आप ये चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, आप किन वीडियोस पर, किन विषयों पर अपनी मेरी राय जानना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। नमस्कार।